हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाला है जीके जीएस मिशन 1000+ क्वेश्चन, जिसमें एयरफोर्स वायुरक्षा, इंडियन पोस्ट का डीबीजीडी यांत्रिकी और नेवी एमआर एसएसआर डबल ए एग्जाम के लिए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 1 से 6 तक इसका मॉक टेस्ट कर लिया है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इसके उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रखा गया है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, छतों में फैन बॉक्स लगाए जाते हैं किस, मतलब किस किस क्रम में। छतों में जो फैन बॉक्स होता है वो किस वायरिंग से लगाए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं कंड्यूक्ट वायरिंग से, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटरों में लगने वाली रिले किस प्रकार की होती है। तो रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होता है ना, उसमें जो रिले होती है वो किस टाइप की होती है, तो होती है मैग्नेटिक टाइप की। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद, सॉरी गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये लिया गया आपका ऋग्वेद। अब देख लीजिए, ऋग्वेद से संबंधित और भी प्रश्न है। ये भारत का यानी ये सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद जो है ना, सबसे बाद यानी सबसे नया वेद जो है वह अथर्ववेद, और सामवेद का संबंध है किससे, तो ये है गायन से संबंधित है, यजुर्वेद जो यज्ञ यज्ञ ये सबसे संबंधित है ना। और ये जो गायत्री मंत्र है ये सावित्री सावित्री ने सूर्य को समर्पित किया है गायत्री मंत्र। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ, गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग वेद से संबंधित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जो भारतीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपको 28 अक्टूबर को, 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को ये जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग है ना। भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो किसका अंग है, ये जो है आपका गोंडवाना लैंड यानी गोंडवाना समूह का एक अंग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, गोंडवाना समूह, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अगर आपको इसका मॉक टेस्ट लगाना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पतंजलि का संबंध किससे है। तो पतंजलि का जो संबंध है वो है हमारे किससे, यह योग से। ठीक है, योग दर्शन से पतंजलि का संबंध है। देखिए, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, पतंजलि बाबा रामदेव को याद कीजिए। ठीक है, वो क्या कराते हैं, योग कराते हैं, वो किससे संबंधित है, वो भी पतंजलि ब्रांड निकालते हैं, तो इसलिए वो क्या होंगे, योग से, पतंजलि जो है योग दर्शन से संबंधित है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है देखिए, जिन लोगों ने इंडियन पोस्ट का डीबीजीडी यांत्रिकी का फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए हम लोगों ने मिलकर के एक ना मॉक टेस्ट तैयार किया है, जिसमें 16 क्वेश्चन होंगे जो पूर्ण रूप से आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आधारित, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस पे ही आधारित है, जिसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन साइंस के, जीके के 5 क्वेश्चन और मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, जो पूर्ण रूप से आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस पे आधारित होगा, और इसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 सेट है। ठीक है, जिसका प्राइस जो है बिल्कुल ही कम है। इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, गिरनार पहाड़ी जो है कहाँ स्थित। देखिए, गिरनार जो है ये कहाँ स्थित है, गिरनार पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है, ये जो है हमारा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है, गिरनार पहाड़ी या गिर राष्ट्रीय उद्यान भी क्वेश्चन बोलता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये गुजरात में है, और गिरनार पहाड़ी जो है ये भी गुजरात में ही स्थित है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कि पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी किस समिति के द्वारा, यानी किस कमेटी के द्वारा। पंचायती राज जो है वो किस कमेटी के द्वारा, किस कमेटी की अनुशंसा पर बनाई गई थी, ये जो थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, अगर आपको यहां तक तो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सनी डेज पुस्तक की रचना यानी सनी डेज जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था। सनी डेज के लेखक कौन है, तो वो थे सुनील गवास्कर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, सुनील गवास्कर। तो चलते हैं आगे, द्वीपशिखा किसने लिखा यानी द्वीपशिखा
द्वीप शिखा जो पुस्तक है, द्वीप शिखा शिखा के लेखिका कौन है? तो है कौन? महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। हम देखिए ये राइटिंग यानी जो बुक है, बुक और ऑथर से भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके ये जो मॉक टेस्ट है उसमें हम बुक और ऑथर से संबंधित और कंप्यूटर से भी संबंधित क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है? तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, चीनी क्रांति का नायक कौन था, यानी चीनी क्रांति का जो नायक था है ना, हीरो जो था वो कौन था? चीनी क्रांति के नायक कौन थे? सन यात्सेन थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, सन यात्सेन, ठीक है? तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोप का मरीज हम किसे कहते हैं? तो अब बताइए, यूरोप का मरीज है ना, यूरोप का मरीज, एशिया का मरीज है ना, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? आप कमेंट में इसको कमेंट करके बताइएगा, एशिया का मरीज हम किसे कहेंगे? तो देख जान लीजिए, यूरोप का मरीज जो कहते हैं हम तुर्की को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा आंसर, है ना? यूरोप का मरीज जो है तुर्की है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? अब बताइए, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे एक भी रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है? भारत में मेघालय ऐसा क्षेत्र है जहां पे एक भी रेलवे लाइन नहीं है, मतलब भारत में मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है? अब रेलवे लाइन की शुरुआत जो की गई थी कब की थी? 1853 में डलहौजी के द्वारा किया गया था, और रेलवे इंजन का आविष्कारक जो थे जॉर्ज स्टीफन थे, ठीक है? यहां तक आपको क्लियर है? और पहली बार जो रेल चलाई गई थी ये मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी और 34 किलोमीटर चलाई गई थी, ठीक है? तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहां स्थित है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो देखिए पूर्व रेल, देखिए जितने भी रेलवे के मुख्यालय उन सबके लिए हमें अलग से वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, फिलहाल में इस मॉक टेस्ट में जो है वो करते हैं। ये पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कलकत्ता में, ठीक है? पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो है कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ, ठीक है? तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे महाद्वीप का विस्तार है? बताइए पृथ्वी के जो है कितने प्रतिशत पे? तो 29.2% भाग पे महाद्वीपों का विस्तार है, और जल का बोल देगा तो 71%, ठीक है? तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, मतलब नार्वे में अर्धरात्रि के समय में सूर्य दिखाई देता है कब, यानी आधी जब रात होगी तो नार्वे में सूर्य किस दिन दिखाई देगा, किस डे को दिखाई देता है? बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, आप बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या है ना, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा क्या, अब बताइए, 21 जून, 21 जून को है ना नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य हमें दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, ठीक है? और पूछ देगा महाद्वीप मतलब कुल पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे जल पाया जाता है, तो 71% भाग पे जल पाया जाता है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, कौन सी ग्रह है जिसे हम शाम का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा है ना, चमकीला ग्रह भी बोल सकते हैं, ये जो है हमारी शुक्र है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। देखिए आप लोग मॉक टेस्ट लगाना है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पॉज करके आप मॉक टेस्ट लगाइए, जिसका जितना ही मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम मतलब आपके लिए और भी वीडियो प्रोवाइड कर सके, आप लाइक कीजिए उसको, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है किससे, आर्थिक क्रिया यानी आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हम जो भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो होता है जीविकापार्जन, यानी अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है ना, ठीक है? जीवन को जीविकापार्जन के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आर्थिक क्रियाओं को उद्देश्य प्राप्ति करते हैं, यानी पैसा रुपया कमाते हैं किसके लिए, तो जीविकापार्जन के लिए, न कि मनोरंजन के लिए, ठीक है? इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये जो नाइट्रोजन बताए थे 78% पाया जाता है, ठीक है? और ऑक्सीजन जो होता है O2 21% पाया जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये होता है 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हुआ। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, छाया में पनपने वाले पौधे क्या, यानी जो छाया में पौधा पनपता है, सूर्य के प्रकाश में नहीं पनपता है, उस पौधे को हम क्या कहते हैं, छाया में पनपने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सियोकाइटस,
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ, सियोकाइटस। सियोकाइटस क्या है, ये छाया में उगने वाला पौधा है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, यानी जिस बच्चों को कुपोषण का जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं उनमें सबसे अधिक क्या, मतलब इनमें से कौन सी किसकी कमी होती है बताइए। ये होती है प्रोटीन की कमी, जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है उनको क्या होता है, वे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से होती है, तो किस कारण से आप बताइए। ठीक है, अगर अगर कोई पृथ्वी पर पिंड है या कोई वस्तु है जो गतिशील अवस्था में है ना, वो क्या है गतिशील अवस्था में है और उसका क्या करना विराम की अवस्था में लाना है, तो उसको क्या मतलब किस कारण वो विराम की अवस्था में आ जाती है, ये होता है घर्षण के कारण। जैसे जैसे घर्षण बढ़ता जाता है किसी गतिशील वस्तु का चाल क्या होता है कम होता है, इसलिए घर्षण के कारण क्या होती है विश्राम की अवस्था में आ जाती है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते अगला क्वेश्चन हमारा, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि, है ना, क्यों लाया जाता है, अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें उनके इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है अधिक होती है, प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक भी अधिक होता है और इनमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। ठीक है, तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा दूध की जो शुद्धता है यानी दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ। और इस दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, या दही में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये केसिन पाया जाता है। ठीक है, अगर आज चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है पेशीय ऊर्जा का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पेशीय ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, जिसको जिसका जितना ही मार्क्स आता है ना, मॉक टेस्ट लगाइए और उसको कमेंट में शेयर कीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। अब आगे कल फिर मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ, और ये आपके एग्जाम तक ही ऐसे ही चलता रहेगा 1000 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले 1000 प्लस क्वेश्चन कराया जाए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सबको कराया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना है।